जैन बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपका जो नवोदय एग्जाम होता है उसका ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका जो नवोदय ऑनलाइन फॉर्म होता है कब से स्टार्ट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना चलिए, और हर एक चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और डेट भी बताएंगे कि आपसे आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी डेट कब से प्रारंभ होगी और कब अंत होगा। ओके, लास्ट डेट एंड स्टार्टिंग डेट आपको दोनों बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है 2025 के लिए, बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, देखिएगा सबसे पहले कि नया सिलेबस, यानी कि जो कहते हैं कि सब सिलेबस चेंज हो गया है, तो कोई सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, सिलेबस आपका वही सेम टू सेम रह गया है, परंतु जो क्वेश्चन है उनके पूछने का लेवल थोड़ा हाई हो गया है। जिन लेवल जो हाई हुआ है इसकी फुल तैयारी हम हमारे चैनल पर करा रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं बेटा। एंड बात करेंगे कि सर एज कितनी होना चाहिए, कब से कब तक के बच्चे इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता यानी कि पात्रता की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बिल्कुल जीरो से आपको बताएंगे पूरा फॉर्म भरना है, एकदम बेसिक तरीके से देखिएगा। एग्जाम डेट आपकी कब होने वाला है, एग्जाम कब होगा, और इसके बाद बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, दस्तावेज की बात करेंगे। ओके, तो फॉर्म कैसे भरना 2025 का बिल्कुल बेसिक से बताने वाले, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप लोग नवोदय एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो देखिएगा हमने हमारे जो डीसी क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, डीसी क्लासेस का एप्लीकेशन, इस पर हमने संकल्प बेच लॉन्च किया है। संकल्प बेच जिसमें हम इसके आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी एंड हिंदी की फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसकी बात करें तो देखिएगा आपको इस बैच में एक साल की वैलिडिटी रहेगी, फुल तैयारी कराई जाएगी मात्र 499 रुपए में। ओके, एक साल की फीस कितनी है, 499 रुपए है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपको एक साल की देखने को मिलेगी। यहां बात करें अगर आप लोग इस संकल्प बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, या हमें व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज करते कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इस बेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, या इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर JNB2025 लिखकर हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे। इसकी सबसे कम प्राइस रखी है, और अगर आप देखोगे तो डेमो के लिए क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर है, 40 क्लासेस हमने डेमो के लिए आपको दिए, जहां पर हम आपको बिल्कुल ट्रिक से सिखाते हैं। ओके, 40 क्लास डेमो के लिए दिए हमने, कम क्लासेस नहीं है, आप देखिए पहले 40 क्लासेस को, आपको बिल्कुल समझ में आए तो आप इस बेच को लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आगे भी हम ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, और आपको बहुत सारी सुविधाएं इस बेच में मिलने वाली है। अगर आप लोग इस बेच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर से इसकी अदर सुविधा भी जान सकते हैं हमसे। ओके, देखिएगा आपके जो अगर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में आप सभी को पता है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हर स्टेट के लिए कॉमन रहती है। ओके, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें बेटा तो हर स्टेट के लिए कॉमन रहती है। ओके, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, और इसके अलावा देखिएगा आपके जो स्टेट है उसकी जो लैंग्वेज रहती है वह लैंग्वेज आपके लिए है। ओके, जैसे यहाँ देखिएगा अंडमान निकोबर द्वीप समूह की बात करें, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ देखिएगा इसमें तमिल भी चलती है, उर्दू भी चलती है, और बंगाली भी चलती है। हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन सभी में रहेगी, इसके अलावा अदर की बात करें तो सभी जगह अलग अलग भाषाएं रहती है। ओके, जैसे गोवा की बात करें तो गोवा में देखिएगा मराठी और कन्नड़, ओके, ये भाषा रहती है। गुजरात में देखिए तो गुजरात में आपको दिख रही है यहाँ पर गुजराती और मराठी। ओके, यहाँ देखिएगा आपको जम्मू कश्मीर में तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू है। इस तरीके से देखिएगा आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगी ये सभी लैंग्वेज। बात करें तो भारत में कितने यहाँ पर नवोदय विद्यालय है, तो 649 नवोदय विद्यालय। ओके, टोटल कितने, 649 नवोदय विद्यालय, हर स्टेट के अलग अलग नवोदय विद्यालय यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट की बात करें पात्रता और योग्यता, मतलब कि आपको क्या सर फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले कि कक्षा पांचवी आप पास कर चुके हो, ओके, या तो पांचवी पास कर चुके हो, उसके बाद अगर आपने पांचवी में फॉर्म नहीं, जैसे देखिएगा दो चीज बताता हूं, पहले कक्षा पांचवी पास कर चुके हो या कक्षा पांचवी में पढ़ रहे हो। कोई बच्चा ऐसा होता है जो पांचवी पढ़ रहा होता है और फॉर्म नहीं भर पाता, तो कक्षा पांच पास करने के बाद भी वो फॉर्म भर सकता है, पर एक बार फॉर्म भर दिए देखिएगा कि स्टूडेंट केवल नवोदय का एक ही बार आवेदन कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता है। जैसे आप पांचवी पढ़ रहे हैं बेटा, तो उस टाइम आपने अप्लाई कर दिया और आप सोच रहे कि नेक्स्ट ईयर, मतलब जिस साल आपने अप्लाई करा उस साल सिलेक्शन नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर भर देंगे, तो ऐसा नहीं होता, केवल एक ही बार इसका
आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी शर्त क्या है बेटा, या तो आप पांचवी पास हो या पांचवी पढ़ रहे हो, या कक्षा 3, 4 और 5, देखिएगा कक्षा 3 जो आपकी 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास होती है, 5th क्लास, इनमें भी आपको रेगुलर 3 साल पास होना चाहिए। अगर आप इनमें किसी भी साल फेल होते हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और एक भी साल का गैप नहीं होना चाहिए कक्षा 3rd, 4th, 5th में आपका, या तो एक भी साल फेल नहीं होना है और एक भी साल गैप नहीं होना है, रेगुलरिटी बनी रहना चाहिए। ओके, यहाँ देखिएगा, या वहाँ केवल अपने ही जिले में, देखिएगा आप जो नवोदय जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं आप उसी, जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है जिला, उसी जिले में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदर जिले में नहीं कर पाएंगे। ओके, और बात करें आवेदन जो होता है केवल ऑनलाइन किया जाता है, ऑफलाइन नहीं होता है। तो आपको पात्रता बता दूं, आप पांचवी पास हो या पांचवी पढ़ रहे हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद देखिएगा आपको 3, 4, 5th में एक भी साल फेल नहीं होना चाहिए, ना ही एक साल का गैप होना चाहिए। और यहाँ देखिएगा स्टूडेंट केवल एक ही बार फॉर्म भर सकता है, तो जोरों से आपको मेहनत करना होगा क्योंकि एक ही बार फॉर्म भर के आपको सिलेक्शन लेना होता है, दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते। हमने संकल्प भी चलाया जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से आपको हीरो तक बना दिए है, बच्चों से आप पूछ सकते हो बेटा हमारे, और 40 क्लास डेमो के लिए आपको दिए हैं। यहाँ देखिएगा केवल उसी जिले में बच्चे भर सकते हैं जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं। ओके, और इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। यहाँ बात करें बेटा डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगते हैं दस्तावेज की, तो आपको ये फॉर्म दिया रहता है। ओके, जो आपका जो आवेदन ऑनलाइन फॉर्म होता है उसी में ये फॉर्म दिया रहता है। इसके भरने की वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे बेटा, इसको किस तरीके से आपको भरना है, कोई गलती नहीं करना है। देखिएगा मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका आपको मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होता है। यहाँ देखिएगा जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ओके, जाति आधार कार्ड आपका होना चाहिए, एंड आपकी एक फोटो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर, और इसके बाद जो फॉर्म भर के ये 5 और ये 6 चीज आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप इन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट से पहले एक बार फिर बता देते हैं, जिन्हें भी अगर सिलेक्शन लेना है नवोदय में, सबसे कम फीस में एक साल की वैलिडिटी आपको दे रहे हो, जो कि डीसी क्लासेस की एप्लीकेशन पे संकल्प चल रहा है बेटा, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए ये नंबर दिया गया है, फटाफट सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, देखिएगा तो डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये जो आपका 2024-25 का सेशन था, पिछले साल जो फॉर्म भराए थे 2024-25 का जो सेशन था बेटा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें देखिएगा डेट क्या रखी गई थी, तो आपकी 1 मई से, ओके 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 रखी गई थी। ओके, ये पिछले साल के फॉर्म की बता रहा हूँ बेटा, तो देखिएगा पिछले साल के फॉर्म की बता रहा हूँ, तो ये कहाँ से कहाँ तक रखी गई थी, और 1 तारीख को भी इसमें काउंट किया गया था और 31 तारीख को। यहाँ बोला गया था बूथ डेट्स आर इंक्लूसिव, ओके इंक्लूसिव किया गया था, मतलब कि दोनों डेट को यहाँ पर जोड़ा गया था, अगर इस डेट को भी आपका जन्म हुआ है, इस डेट को भी हुआ है, या इनके बीच में हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इसकी जगह 13 लिखा जाएगा और इसकी जगह 15 लिखा जाएगा। ओके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होता है, हर ईयर बस यही चेंज होता है, हर साल यहाँ पर एक सन यानी कि एक साल बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ 12 लिखा था तो 13 हो जाएगा, यहाँ 14 की जगह 15 हो जाएगा, रेट आपकी यही रहने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसके जो फॉर्म है, ओके सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर फॉर्म बताते हैं कि कब से इसके फॉर्म भरा रहे हैं सर और कब इसकी लास्ट डेट है। देखिएगा सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो हम आपको शुरू से ही बता चुके हैं और तैयारी बिल्कुल करा रहे हैं। जो नए बच्चे अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा मेंटल एबिलिटी की बात करें बेटा, तो मेंटल एबिलिटी में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है बेटा, ओके एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 1.25 मार्क्स का होता है। यहाँ देख सकते हो, आपको सब चीज़ बताता हूँ, जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 11:30 बजे से 1:30 बजे यानी 1:30 बजे तक का होता है। इसमें आपको बता दूँ 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से? मेंटल एबिलिटी एंड अर्थमेटिक और आपका जो लैंग्वेज होता है। ओके, तो 40 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। ओके, और इसके बाद देखिएगा अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 25 मार्क्स के होते हैं। एंड लैंग्वेज की बात करें, जो भी आपको लैंग्वेज लेना हो वह लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो इसको वहाँ कितने नंबर का होता है? 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 80 होते हैं जो कि 100 मार्क्स के रहते हैं। आपको कुल समय 2 घंटे का रहता है, 2 आवर्स आपके पास समय रहता है।
तो देखिएगा, इसको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ। मेंटल एबिलिटी में आपके 10 चैप्टर होते हैं और मैथ्स में देखिएगा वैसे आपकी बुक में 19 होंगे, पर हम आपको 20 से ज़्यादा प्लस चैप्टर कराते हैं, 20 या 21 चैप्टर, क्योंकि जो 2 चैप्टर के अलग क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं तो हम उसको भी कवर करा देते हैं, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मैथ में गलत नहीं हो पाए। हम अधिक से अधिक आपको पढ़ाते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, सिलेबस के बाद प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट एंड डाउट क्लासेस। डाउट क्लासेस अभी भी स्टार्ट हो चुकी है, व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया गया है संकल्प बैच का, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ई नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, ये सभी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन कराया जाता है, उनमें से जो टॉप लेवल के क्वेश्चन देते हैं उन क्वेश्चन को छाट के आपके लिए बेस्ट तरीके से उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आपसे एग्जाम में वह क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अगर आप लोग संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो संकल्प बैच ज्वाइन कर लेते हैं, तो देखिएगा आपको बहुत सारी सुविधा इस बैच में देखने को मिल सकती है। सबसे पहली बात करें तो देखिएगा यहाँ पर सबसे कम प्राइस में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी देते हैं, संपूर्ण तैयारी कराते हैं। पिछले साल भी हमने जो सूरवीर बैच चलाए थे उसमें भी अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें कम्प्लीट सिलेबस, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन सभी करवाए थे। ओके, पिछले साल भी हमने जो सूरवीर बैच चलाए थे 2024 के लिए, अब के साल जो चला रहे हैं बेटा 2025 के लिए संकल्प बैच चलाया गया। ओके, संकल्प बैच आपको पता है, हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, अगर आप लोगों को एक बार और देखना तो देख लीजिएगा। संकल्प बेस जिसमें मैथ्स की क्लास का टाइम भी लिखा है, मेंटल एबिलिटी और हिंदी सभी का टाइम लिखा है, व्हाट्सएप नंबर ये है, कॉलिंग नंबर भी यही है, वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, 499 रुपये में डीसी क्लासेस पे इसकी फुल तैयारी कराई जा रही है। और आपके फॉर्म की बात करें तो देखिएगा, लास्ट ईयर जो फॉर्म था, लास्ट ईयर फॉर्म की बात करें तो 19 जून से स्टार्ट हो गया था। ओके, 19 जून से स्टार्ट हो गया था, 10 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट थी। ओके, तो लगभग लगभग 2 या 3 दिन में आपके फॉर्म की डेट आ जाएगी। कितने दिन में? 2 या 3 दिन में, या कह सकते हैं कि 25 तारीख से पहले पहले आपके फॉर्म जो है अप्लाई करने की डेट आ जाएगी। तो सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट एंड क्वालिफिकेशन पे ध्यान दीजिए बेटा, डॉक्यूमेंट सभी तैयार रख के रख लिए। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर हमारे संकल्प बेस से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जय हिंद बच्चों।